कोरोना पाई निराडंबर सहकारे पालित हेला व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति 104तम तीरोधान दिवस। महामारी कोरोना पाई बालेश्वर रे फकीर मोहन साहित्य परिषद पक्षरु निराडंबर सहकारे व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति 104तम तीरोधान दिवस पालित हो जाइछि। संक्रमण को दृष्टि रखी अल्प केतक सदस्य को नै छतुआ पोखरी ठारे थिबा शांतिघाट रे तिल तर्पण करा जिबा परे सहरर मल्लिकासपुर स्थित शांतिकानन रे थिबा फकीर मोहन को प्रतिमूर्ति रे माल्यार्पण करा जाइथिला। परे परिषदर सभापति डॉक्टर शिरीष चंद्र जेना, संपादक कुमार गोपाल सेठी, पूर्वतन सभापति डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, उपसभापति दीनबंधु लेंका प्रमुख उपस्थित रही ओडिया साहित्यर त्राणकर्ता व्यासकवि फकीरमोहन जीवनी संपर्क में आलोचना करथिले। फकीरमोहन सेनापति आम जातिर आम भाषार आम साहित्यर जी अस्मिता थिले सेई फकीरमोहन मृत्यु होता यही रज संक्रांति दिन, किंतु 1918 मसीहा जून मास 14 तारीख से बर्ष संक्रांति पड़ा। ए बर्ष जेहेतु 15 तारीख रे संक्रांति पड़ुचु तेणु आमे तिथि हिसाब रे लक्ष्य तिथि को लक्ष्य रखी आमे आज तांकर श्राद्ध दिवस पालन करुचु। पेंडामिक सिचुएशन पाई आमे प्रथमे शांतिघाट को जाइथिलु, फकीर मोहन समाधि पीठ रे माल्यार्पण करथिलु एवं सेई पोखरी रे छतुआ पोखरी से पोखरी रे तिल तर्पण करथिलु एवं खूब कम संख्यक लोक आमर फकीर मोहन साहित्य परिषदर पाखापाखी 350 लोक सभ्य अछन्ति, किंतु आम गहण रे 8-10 जन लोक जमा आसीथिले पेंडामिक सिचुएशन पई नहले बहुत लोक हुवन्ति। सेठी आमे तिल तर्पण कलु, समाधि पीठ को पुष्पे सजेई देलु एवं सेठी जो फकीर मोहन मूर्ति अच्छी सेठी माल्यार्पण कलु। माल्यार्पण करी आमे तांकर पवित्र साधनार पीठ यही शांतिकानन को आसिलु। शांतिकानन रे फकीर मोहन जो मूर्ति सब अच्छी से मूर्ति रे आमे पुष्प प्रदान कलु एवं ता परवर्ती अवस्था रे आमे ठिया होई फकीर मोहन संपर्क रे एवं फकीरमोहन मृत्यु दिवस संपर्क एवं फकीरमोहन आगामी आसंता काली जो गवेषणा हेब एवं वर्तमान जो गवेषणा होउची ता उपरे एक विहंगम दृष्टिपात कलु। संक्रांति पुरुष भाव परिचित फकीरमोहन सेनापति 1843 मसीहा मकर संक्रांति रे जन्म और 1918 मसीहा रज संक्रांति दिन परलोक होइथिला। एहिभळी जणे महापुरुष जन्म नेबा विरल। महान साहित्य परिषदर कर्मकर्ता माने एहिभळी जणे अम्लान प्रतिभांक तीरोधान दिवस पालन करिबा सहित आज तांकु मने पकाउछंती। से थिले ओडिया साहित्यर प्राण प्रतिष्ठाता, गद्य साहित्यर जनक। सुलेख व्यतीत से जणे सुप्रशासक भाबे मध्य बेस परिचित थिले। 1871 मसीहारे बालेश्वर कलेक्टर जन्निम्सक सहायतारे फकीरमोहन नीलगिरीर देवान भाबे नियुक्ति पाइथिले। परे तमपडार देवान, दसपल्लार देवान भाबे नियुक्ति पाइथिले। देवानी कालरे से एही सब अंचलर बहुविध उन्नतिमूलक कार्य करथिले। स्वतंत्र प्रदेश रे फकीरमोहन अवदान अतुलनीय। आउ फकीरमोहन जो रचना अछि बहु रचना आमे बोधे अनेक दिन धरि ताकु पढ़ी नथिलु, आस्ते आस्ते पढ़िबार सुजोग पाउछु। फकीरमोहन कविता उपरे बहुत किछि रचना करिछन्ति एवं फकीरमोहन कविता बहुत हृदयस्पर्शी कविता जोटा कि से मरण समय रे से लेखिथिले। तांकर जो देह असुस्थ हेतला सेतले से आध्यात्म्यवाद उपरे बा जीवन बा मरण उपरे कविता लेखिछन्ति। निजकु एवं समग्र विश्व को आज छुई पारिछि। सम फकीरमोहनकर 37टा भाषा रे आज विश्व विदित हेउछि तांकर कविता, तांकर गल्प, तांकर चरित्र को लेकि बहु समालोचना, बहु आलोचना एवं समग्र विश्व रे यदि परिचित हो पारती बा पृथ्वी रे गोटे कालजयी लेखक भाव से आदि परिचित हो पारे से आम बालेश्वरवासी आम गर्वित। आहरी गोटे कथा, फकीरमोहन कविता रचन फकीरमोहन को जिते मुक्तिमंडप कवि शेखर उपाधि भूषित कराई एवं समग्र ओडिशा रे कवि शेखर उपाधि भूषित समय कहीं भूषित करना मुक्तिमंडप कवि शेखर उपाधि भूषित करते। आहरी गोटे कथा अच्छे जितेबले सी मरण काल समय जिते सी बहु बहु अंचल देवान कार्य कर नीलगिरी हूँ दशपल्ला हूँ आज दिन में दशपल्लार अनेक लोक मन पकाउ। प्रथम हूँ भाषा को स्वतंत्र भाषा भाव में मान्यता दिया ही पारु नथिला।
बेंगली मानक कब्जा रे समग्र ओडिशा रही थिला से समय किंतु फकीरमोहन गोटे लोक जे कि निज छाती को पतेई देथिले एवं से समग्र ओडिया समाज पई ओडिया जाति पई ओडिया भाषा पई से बाहरी थिले आग भरे कि सेनापति भाव रे बाहरी थिले सेतिमै ताकु आमे सेनापति भाव रे आख्या दउचु एवं आज जदि बंची थे ओडिया भाषा कोण अनुकोण रे गोटे भाषा को लेकिन गोटे स्वतंत्र प्रदेश हो था केवल फकीरमोहन आउ हूँ आम समस्ते से भाषा को लेकिन आज गर्व करुचे भाषा को लेकिन पाठ पढ़ुचे केवल फकीरमोहन से भाषा को बंचे ओडिया जाति को नुआ जीवन देवा सह स्वतंत्र परिचय प्रदान व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति अवदान अतुलनीय ओडिया भाषा पई अहरह संग्राम करने सहित शाणित लेखनी चालना ओडिया जाति को स्वतंत्र परिचय दे 1917 मसीहारे कोलकातार ग्राजुएट मानक तरफरु फकीरमोहन को संबर्धित करा जायथिला परे परे पुरी मुक्ति मंडपर पंडितंक द्वारा आयोजित पंडित महासभारे जोगदेई कवि शेखर उपाधि ग्रहण करथिले। फकीरमोहनकर शेष जीवन अति दुखपूर्ण भावे कटिथिला। बहुत लोक जानि नाहंती जे 1918 मसीहारे देहांत होइथिला। 1917 मसीहारे कोलकातार जो माने ग्राजुएट पढ़ुथिले बा स्नातक सेमाने तांको गोटे संबर्धना देथिले सेठु आसीथिले एवं तापरे फकीरमोहन को मुक्तिमंडप पंडित सभा जोटा पुरीर सेमाने आमंत्रण करथिले। फकीरमोहन मुक्तिमंडप सभारु पंडित सभारु कवि शेखर नामक गोटे उपाधि पाइथिले। एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा कहीं से समय बहुत कवि कौन सी उपाधि पाई जहाँ लोक मैंने आपे आपे कही किंतु स्वतंत्र भाव में कौन अनुष्ठान गोटे उपाधि प्रदान करवा यहाँ फकीरमोहन को प्रदान कराला। प्रथम कवि शेखर है फकीरमोहन सेनापति। 1918 मसीह देह बहुत खराब है असुस्थ है से असुस्थ हो समय रे, से कटक जाते से तो उत्कल सम्मेलन मार्च मस 30 आ 31 ये दुई दिन धरी उत्कल सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित होता ये पारलाखे मंदिर महाराजा से सभापतित्व करने कथा किंतु तांकर देह असुस्थ होगा जो से आसी पारे ना। फकीरमोहन जाते ईदगा पड़िया जा उत्कल सम्मेलन सभापतित्व करते अति सुंदर वक्तव्य गोटे देते जो वक्तव्य एक प्रबंध आकार मिलूर तक देह बेसी खराब है ता भर से मे मस मंजूषा जाते गंजाम मंजूषा सानखमुंडी सेठी जाते से पेट रोग बाहर से मंजूषार राजा तांको डाक्टर डाकी चिकित्सा करेले सेठी सुस्थ होकर बालेश्वर पलि आसिले। बालेश्वर रे जून मास प्रथम ज्वर हवा आरंभ कला एवं से ज्वरटा क्रमश बढ़िबाकू लागिला इयाडे उदर रोग मध्य वृद्धि प्राप्त होता। द्वितीय सप्ताह बेलू जून मासर तांकर पुओ मोहिनीमान सेनापति बहु हिरण्यप्रभा सेनापति से मैंने सब आसिले एठिकी से बापांकर सेवा कले से बहू को तांको कहिथिले जे तू मोर एत सेवा करुचु मो समस्त संपत्ति तो ना रे लेखि दे जीवी। सेतबेले मोहिनीमान सेनापति मध्ये तांकर बहुत सेवा करथिले। मोहिनीमान सेनापति को से डाकी कहिले जे मोर शेष समय आसिक पहुँची गलानी तोर माँ मत डाकिलानी मु चली जीवी तू जाकि तो माँ को टिके जुहार हे जा। मोहिनीमान सेनापति तांकर समस्त नास्तिकता सत्वे से जाइथिले माँ को जुहार हेकि आसिले। 1918 मसीहा जून मास 14 तारीख पूर्वाह्न 10:12 समय रे से फकीरमोहनकर देहांत होता। आम ओडिया साहित्यर गोटे उज्ज्वल ज्योतिष्क से दिन लिभि जाइथिले। आज फकीरमोहन अनेक स्मृति बहन करुछि बालेश्वर। तांको जन्मस्थान रे ठिया होइछि संग्रहालय। तांकरि नारे प्रतिष्ठा होइछि फकीरमोहन महाविद्यालय विश्वविद्यालय एवं फकीरमोहन गोलेई। जणे जुग्म जन्मा पुरुष भाबे ए जाति को नुआ जीवन देबा सह स्वतंत्र परिचय प्रदान रे व्यासकवि अवदान अतुलनीय।